आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे तुलसी के अनेकों उपाय जिससे आपकी झोली, आपका घर, आपका तिजोरी हमेशा भरा हुआ रहेगा। देखिए, तुलसी विष्णु प्रिया है। कार्तिक में तो तुलसी पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। अगर कोई अपने मन की बात भगवान को सीधे ना कह सके तो तुलसी के माध्यम से अपनी बात भगवान तक पहुंचा सकता है। भगवान कृष्ण भी उसकी बात सुने या ना सुने, लेकिन तुलसी जी की बात हर हाल में सुनते हैं। तो अगर आपको सुख दुख भगवान से शेयर करना हो तो उसके लिए पुराणों में बताई गई विधि से तुलसी माता की पूजा करनी होती है। इसी विधि से भगवान श्री हरि विष्णु ने भी तुलसी को प्रसन्न किया था। तो तुलसी के महत्व की बात कर रहे हैं, आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि तुलसी को कैसे प्रसन्न करें। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं, रंगोजी से अष्टदल कमल बनाएं। ये आप 1 नवंबर को कर सकते हैं सारी काम। शंख, चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आह्वान करें। तुलसी का दशाक्षरी मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम वृंदावन्य स्वाहा। घी का दीप और धूप दिखाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नवेद चढ़ाएं। तुलसी के वस्त्र से अलंकार करें। तुलसी का वस्त्र से अलंकार करें। फिर लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र पढ़ें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। अपनी मनोकामनाओं को तुलसी को बताएं। कार्तिक पूर्णिमा को श्री हरि को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर है। जिन दंपतियों के यहाँ संतान न हो वो तुलसी नामाष्टक सुने, घर में निश्चित तौर पे संतान पैदा होगा या होगी। तुलसी नामाष्टक के पाठ से ना सिर्फ सिर्फ विवाह होता है बल्कि बिछड़े संबंधी भी करीब आते हैं। नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा और जल भरा कलश लेकर प्रवेश करने से नए घर में संपत्ति की कमी नहीं होती है। नौकरी पाने, कारोबार बढ़ाने के लिए गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से कारोबार बढ़ेगा और नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। तो अगर आप कार्तिक मास में तुलसी का इस तरह से पूजन करेंगे तो आपकी सभी कामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि तुलसी विष्णु प्रिया हैं और उनकी पत्तियों में वो शक्ति है जिसे पाकर भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।